था। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, घबराना नहीं, टेंशन मत लेना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट आज पढ़ेंगे और फिनिश भी कर लेंगे, बड़े आराम से फिनिश भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट आज फिनिश कर लेते हैं बेटा, सिंपल चैप्टर है, एक एक लेक्चर का आज पोलराइजेशन, कल डिफ्रेक्शन, खत्म वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, सबसे पहली बात बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। ठीक है बेटा, पहले ये सुनिएगा। देखिए बेटा, जो वेव होता है बेटा, वेव जैसे साउंड वेव, लाइट वेव, तो जो वेव होता है बेटा वो दो तरह का होता है। वेव कितने तरह का होता है बेटा? दो तरह का। आराम से, आपने नहीं पढ़ा हुआ वेव इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, है ना, बहुत लोगों का नहीं होगा कहानी। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है बेटा ट्रांसवर्स वेव। दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव, लिखना नहीं है, ठीक है, लिखना नहीं है। तो देखिए बेटा, वेव दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव, साउंड वेव क्या बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं पहले बताइए, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं भाई? बहुत बहुत शर्मा रहे होंगे भाई, बहुत बहुत शर्मा रहे होंगे। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये साउंड वेव है बेटा, साउंड वेव। साउंड वेव में क्या होता है बेटा? अगर वेव ऐसे चल रहा है जैसे स्पीकर है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड वेव में वेव आगे जाता है, वेव आगे जाता है और इसमें जो एयर के पार्टिकल होते हैं उसी डायरेक्शन में आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं। जैसे मैंने बोला ए, तो आगे पीछे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे और वेव उसी तरफ चलेगा, वेव ऐसे चलेगा और इसमें जो ऑसिलेशन होगा वो वेव की डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है आगे पीछे। जैसे मैंने बोला ये पार्टिकल बेटा, ये पार्टिकल है, पार्टिकल है, ठीक है, मैंने बोला ए, तो ये आगे गया, इसको धक्का मारा, ये पीछे आया, ये ऐसे ऑसिलेट हुआ, ये ऐसे ऑसिलेट हुआ, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है बेटा? वेव जिधर चल रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, इसलिए नाम पड़ा इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव क्या बेटा? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव क्या बेटा? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ में आया कि वेव जिधर चल रहा है ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आगे पीछे, सारे पार्टिकल आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव क्या बेटा? है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, चलिए ये तो हम समझ गए। तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड वेव क्या बेटा? है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक, यहां तक समझ में आया बच्चों? ट्रांसवर्स वेव, जैसे ट्रांसवर्स वेव क्या होता बेटा? तो हम बोलते वेव जिधर जा रहा है, वेव जिधर जा रहा बेटा उसमें जो वाइब्रेशन होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाइब्रेशन होगा। जैसे वेव इधर जा रहा है तो वाइब्रेशन ऊपर नीचे होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये बेटा पानी का सर, कुछ नहीं लिखना, ये कुछ नहीं लिखना बेटा, आपको समझना है कुछ चीजें, आपको समझनी है ना, तो ध्यान से सुनेगा। ये मान लीजिए पानी है, पानी का ये सरफेस है और ये नाव है बेटा, नाव ऐसे तैर रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक नाव है ऐसे तैर रही है। अब मैंने इसे कंकड़ मारा या पत्थर मार दिया तो इस तरह से वेव क्रिएट होता है, होता है, वेव ऐसे आ रहा है, वेव ऐसे आ रहा है, क्या होगा? क्या ये नाव आगे जाएगी वेव के साथ? तो नहीं, ये नाव क्या होगा? वेव ऐसे आएगी ना बेटा, तो ये बार नाव ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऐसे थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होती है। तो सोच रहे हो वेव इधर जा रहा है और ऑसिलेशन किधर हो रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
तो इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेग। ट्रांसवर्स वेग इसमें वेव जिधर चलता है बेटा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है, ऑसिलेशन होता है, दैट्स व्हाई इसे क्या बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स। ठीक है, लाइट में बेटा एक ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी क्लियर। लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल होता है। तो आप बोलेंगे सर जैसे यहां पर पानी है सर, तो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे, पानी के सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे सर। तो यहां कौन ऑसिलेट कर रहा है? वाटर के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल जिसे पार्टिकल बोल रहे हैं, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। साउंड वेव में कौन ऑसिलेट कर रहा है? मीडियम के पार्टिकल, जैसे एयर में पार्टिकल है, एयर पार्टिकल, वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, साउंड वेव ट्रेवल हो रहा है। ठीक है भाई, सही सही बात है। लाइट वेव में क्या वाइब्रेट करता है सर? लाइट वेव में क्या वाइब्रेट करता है? सवाल ये होता है कि लाइट वेव में तो मीडियम की जरूरत होती नहीं है, फिर क्या वाइब्रेट करता है उसके अंदर? तो बेटा उसके अंदर दरअसल मुंडी ऊपर करके ध्यान से, मुंडी ऊपर करके ध्यान से, तो सुनिए, पहले आराम से सुनिएगा, आराम से मेरी बात सुनिएगा बेटा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात बेटा, पोलराइजेशन को समझने से पहले हम पहले लाइट वेव को देखेंगे। लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स, लाइट वेव बेटा एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आराम से सुनना, बड़े आराम से। लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स, लाइट वेव बेटा ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ? लाइट वेव जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगा। तो कौन सा ऑसिलेशन है सर? यहां तो पार्टिकल की जरूरत ही नहीं होती है, पार्टिकल तो ऑसिलेट कर देगा, ऐसा थोड़ी ना बल्ब से लाइट निकल रहे तो पार्टिकल ऑसिलेट करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कौन ऑसिलेट करता है? तो यहां पर दरअसल बेटा जो मैं बताऊंगा वो बाउंसर मारेगा, ये तो वेरी क्लियर है, बस अभी आप याद रखो। लाइट वेव में दरअसल, मेरी बात ध्यान से सुनना, लाइट वेव में दरअसल होता क्या है ये सुनना। देखो बेटा, ये होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला देख रहे हो इधर वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके परपेंडिकुलर लाइट वेव चलती है। यदि लाइट वेव में दो लोग वाइब्रेट करते हैं, कितने लोग वाइब्रेट करते हैं? दो लोग। लाइट वेव में कितने लोग वाइब्रेट करते हैं बेटा? दो लोग, दो लोग। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी दो फील्ड होती है बेटा। क्या होती है? दो फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। कैसे आया, क्यों आया, सब आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। जिस दिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लोगे उस दिन आप खुद ही समझ जाओगे सर ये तो बहुत आसान था यार। तो लाइट वेव में कौन वाइब्रेट करता बेटा? दो लोग वाइब्रेट करते, दो फील्ड वाइब्रेट करते, कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे बेटा? परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइट वेव इधर चलती है। अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है लाइट वेव के चलने की डायरेक्शन, तो ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है ना। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बोलेंगे सर यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है यार, बस दोनों परपेंडिकुलर होना है, यो 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 ऐसे ऐसे ऑसिलेट। इसका मतलब ऑसिलेट कर रहा बेटा जीरो, फिर उल्टे डायरेक्शन में, फिर मैक्सिमम, फिर उल्टे डायरेक्शन मैक्सिमम, फिर ऐसे, जैसे ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। जब ये इधर हुआ तो ये भी इधर हुआ, ये जीरो पे आया तो ये भी जीरो पे आया, ये इधर गया तो ये इधर गया, ये इधर आया तो ये इधर आया, ये इधर गया तो ये इधर, ये 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 ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है एक साथ, ये इधर की तरफ सबसे दूर इधर, ये भी इधर की तरफ, साथ में बीच में, साथ में पीछे, ऐसे 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 ऐसे। देखो मैं बताता हूं ऐसे है, देखना ध्यान से, जो मैं चल रहा हूं वो वेव की डायरेक्शन है। देखो मैं चल रहा हूं, देखना बेटा ध्यान से, ऐसे होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये और मैं जो चल रहा हूं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। दरअसल क्या होता बेटा? घबराने का नहीं होता, दरअसल घबराने का नहीं होता। दरअसल क्या होता बेटा? लाइट वेव में
लाइट वेव के अंदर मुंडी ऊपर करके आराम से सुनिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट वेव इधर की तरफ है, सी वेक्टर। सी वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव, ये एक्स की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ है, ये दोनों वाइब्रेट होते हैं। और मजे की बात है बेटा, मेन तो ट्विस्ट अभी बाकी है, याद रख, समझ में आया? अब ऐसे ऐसे बोलना सर, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऊपर नीचे, इसको आगे पीछे, ऐसे चलना सामने और यो करना, यही करके दिखाओ, यही यही ऐसे। मैं जो चल रहा हूं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, या ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है, आ रहा समझ में? और दूसरा ट्विस्ट सुनिएगा, क्या होता बेटा अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ, सपोज दैट ऐसे, तो बार बार हमेशा ऐसे नहीं रहता है कि ऐसे ही ऐसे रहेगा ना, कभी ऐसे घूम जाएगा, अपने आप घूम जाएगा, है ना, कभी ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे ऐसे करेगा, ये ऐसे ऐसे, कभी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब ये आगे पीछे, ये यानी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे घूमता रहेगा, एकदम ऐसे प्लेन में घूमता रहेगा। मैं तो ऐसे ऐसे करता हूं, ये देखो ऐसे है ना, ये इसका ऑसिलेशन समझना, ये ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट के अंदर, ऐसे होता है, देखो ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे समझो मेरे दोनों हाथों में गोली है, बंदूक है, और इधर से उधर तक बिल्कुल विलेन सब गुंडा लोग हैं, और सबको गोली से भुनना आता है, ऐसे करेंगे सुनील शेट्टी टाइप का, ऐसे चल रहे सामने, और ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट वेव के अंदर। थोड़ा सा फील हुआ, फील हुआ थोड़ा सा, हाँ टेंशन नहीं लेने का बेटा, ऐसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही नहीं सर, कभी इधर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, लेकिन हमेशा एनी टाइम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैग्नेटिक भी, ऐसे कर रहा हूं तो मैग्नेटिक भी, ऐसे कर रहा हूं तो मैग्नेटिक भी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव हमेशा इधर है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, हरी बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड सी वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आ रहा समझ में? थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करो, सीखने का प्रयास करो, जिस दिन ये चैप्टर पढ़ोगे उस दिन खुद बोलोगे अरे सर बहुत इजी था, कहां कहां परेशान होते थे। दूसरी बात बेटा, जानते हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ना रिलेशन बताया गया लाइट वेव में, जैसे लाइट वेव आप बोलोगे सर ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता, होता है बेटा, पता कैसे तुम्हें कब दिखाई देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब तुम कभी स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, उस समय अंदर से स्विच बोर्ड से चिंगारी से निकलती है, चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वही है, लाइट में भी वैसे ही हो रहा है, कोई बल्ब से जो लाइट वेव निकल रही बेटा वैसे ही हो रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वही आगे प्रोपगेट करता है, बिजली कड़कती है तो ऐसे देखते हैं आप किसी टावर की तरफ या एंटीना की तरफ ऐसे आता है, वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते समय ही होता है, वो चिंगारी जो निकलती है। आप एसी आजकल चला रहे हैं तो गर्मियों के टाइम में एसी चलाते हैं ना, तो स्विच ऑन करते स्विच ऑफ करते चिंगारी से निकलती है, लगता करंट लग जाए, है ना, तो वो चिंगारी दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होते हैं। तो यहां पर बेटा ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बेटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज मत होना। और जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है ई बराबर सी बी, मैग्नीट्यूड का रिलेशन लिख रहा हूं, ई बराबर सी बी, मतलब बेटा ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, देखो ना 3 into 10 power 8,
स्पीड ऑफ लाइट कितना होता बेटा, 3 × 10⁸ में इसका मल्टीप्लाई करोगे तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आएगा। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। चले याद लिखो, जान मत देना। ठीक है बच्चों, चलिए बिठा दूं। चलो बिठाता हूं, मुंडी ऊपर करके सुनना। यहां तक आपके थोड़े बहुत भेजे में घुस गया होगा, आगे सुनते हैं बच्चों। प्यारे बहनों ध्यान देना, अब क्या होता बेटा, सुनेगा ध्यान से। देखो अब यहां पर बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव हम समझने के हालत में आ चुके हैं ना, थोड़ा सा आप समझ में आएगा। इतना जो कराया बेसिक बात था बेटा। अब क्या होता है बेटा, when light wave passes through the crystal of Nicol prism, निकोल प्रिज्म बेटा होता है, मटेरियल है ये निकोल प्रिज्म, देन रिस्ट्रिक्शन इन वाइब्रेशन इज फाउंड। This is called polarization of light. This is called polarization of light wave. अब ये क्या चीज है जरा सुनिएगा ध्यान से। When light wave passes through the crystal of Nicol prism, then restriction in vibration is found, यानी जो उसमें वाइब्रेशन और बेटा उसमें रिस्ट्रिक्शन पाया गया, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। दरअसल होता क्या है बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप ऐसा करिए, थोड़ा इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन को बहुत सिंपल लेवल पे चीजों को लेके आना होगा, है ना बेटा, बहुत आसान से शब्दों में मुझे समझाना होगा। आप ऐसा करिए बेटा, एक काम करिए, एक रस्सी ले लीजिए, आराम से सुनिए, एक रस्सी ले लीजिए, थ्रेड ले लीजिए, रस्सी ले लिया रस्सी। अब क्या करिए, ऐसा सोचिए ये जो रस्सी है उसको मैंने यहां पर बोर्ड से बांध दिया, कील लगा दिया और बांध दिया, और रस्सी अपने हाथ में रख लिया, एक एंड अपने हाथ में है। अब मैंने उंगलियां ऐसे लगा दी, मतलब रस्सी जो है उंगलियों के बीच से पास हो रहा है, ये दो उंगलियां है इसके बीच से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे कर देता हूं, सामने से समझ में आएगा, तो रस्सी ऐसे है पार हो रही है और यहां दीवार से बंधी हुई है, ठीक है बेटा, दीवार से बंधी हुई है रस्सी, ऐसे करके मेरे उंगलियों के बीच से पास हो रही है, पास हो रही है ऐसे, और यहां मैंने पकड़ा। अब मैंने स्नैपशॉट ऐसे दिया, ऐसे प्रोड्यूस होगा, ये पल्स पार हो गया नहीं हो गया, ये रस्सी के बीच से मेरे हाथ से बीच से जा रहा है, ये पार हो गया, वहां पहुंच गया नहीं पहुंच गया, फील हो रहा रस्सी ऐसे है, अरे यार बैल, ये ऐसे नहीं है, ये रस्सी ऐसे पार हो गया, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का भाई, ऐसे तुमको बताता हूं, हमारे यहां तो बैल पढ़ते हैं ऐसे,
रस्सी पार नहीं हो गया, ऐसे पार हो रहा है। हाँ ये, अब सुनना ध्यान से, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, अब सुनना। अब यहां पर बेटा रस्सी पार हो गया, ओके ठीक। अब मैंने ऐसे स्नैपशॉट दिया, ऐसे 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 प्रोड्यूस हुआ, पल्स प्रोड्यूस हुआ, ऐसे पार हो गया पार, ठीक। अब मैंने कहा एक काम करते हैं, स्नैपशॉट ऐसे प्रोड्यूस करें, ऐसे तो पल्स ऐसे प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान देना यहीं पर, ये ऐसे है ठीक है, ऐसे टकरा गया तो खत्म हो गया। तो पता चला कि मेरे हाथ के इधर, उंगलियों के इधर हमें वही वाइब्रेशन मिलेगा जो इसके पैरेलल होगा, उंगलियों के पैरेलल वाली वाइब्रेशन चलेगी, ऐसे वाली नहीं जाएगी। क्योंकि ऐसे वाली जब ऐसे करके ऐसे स्नैपशॉट दोगे, ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे डिस्टर्बेंस ऐसे, तो ये जाएगा ऐसे टकरा जाएगा। तो कौन सा इधर वाइब्रेशन मिलेगा बेटा बताओ जल्दी, कौन सा वाइब्रेशन मिलेगा? जो ये वाला होगा, जिसमें वाइब्रेशन ये वाला होगा, है ना। तो रस्सी अगर ऐसे है और मैंने ऐसे स्नैपशॉट दिया, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन जा रही है, ये पल्स ऐसे जा रही है और ये पार हो जाएगी, और जब मैंने ऐसे किया तो पल्स ऐसे ऐसे जाती है, ये और टकरा के रुक गई। तो यहां पर बेटा दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। आप समझ रहे हो थोड़ा सा, है ना। एक बार फिर से, रस्सी बंधा हुआ है ऐसे, अब मैंने ऐसे स्नैपशॉट दिया, ऐसे नो परपेंडिकुलर दी, ये पार हो जाएगा, पहुंचिए ऐसे दिया स्नैपशॉट, ऐसे ये टकराया खत्म रुक गया, आगे जाएगी बात। तो बोलो इससे उधर की तरफ कौन सा वाइब्रेशन हमें समझेगा? ये वाला मतलब उंगलियों के पैरेलल वाला वाइब्रेशन तो मिलेगा, परपेंडिकुलर वाला वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। घबराहट हो रही है? अब यहां पर सुनना बेटा, यहां तक तो थोड़ा सा आपके दिमाग में भेजे में कुछ खोपड़ी में गया, अब जरा खोपड़ी और चलाते हैं। अब क्या होता है बेटा, निकोल प्रिज्म जो होता है बेटा वो रेयरली फाउंड होता है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। निकोल प्रिज्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो निकोल प्रिज्म के क्रिस्टल में जो भी खासियत है बेटा, उस खासियत को स्टडी किया गया, समझा गया, और स्टडी करने के बाद पोलेरॉइड बनाया गया, पोलेरॉइड विच इज यूज टू पोलराइज अ लाइट वेव। यानी क्या बनाते बेटा? पोलेरॉइड बनाते हैं, पोलेरॉइड बनाया गया बेटा। आप समझो पोलेरॉइड क्या होगा, खिड़कियों में जैसे रॉड लगे होते हैं, या मेरी उंगलियां ऐसे हैं, ये उंगलियां ऐसे, भाई समझो ये पोलेरॉइड बेटा, इसमें ऐसे करके ऐसे समझो रॉड जैसा बना हुआ है, ये ऐसे समझो रॉड जैसा बना हुआ बेटा, बिल्कुल प्यार से सुनना, ये रॉड जैसा ऐसा बना हुआ है। अब लाइट वेव ऐसे आ रही है, ये क्या बेटा, निकोल प्रिज्म का क्रिस्टल है। देखिए निकोल प्रिज्म का क्रिस्टल रेयरली फाउंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, पोलेराइड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को पोलेराइज कर सके, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पोलेराइजेशन, पोलेराइड, क्या बोलते हैं, पोलेराइड। पोलेराइड में बिल्कुल वही खासियत होती है जो निकोल प्रिज्म के क्रिस्टल में होती है, ठीक। क्योंकि ये रेयरली फाउंड है, इसलिए इसमें जो खासियत है वो उससे मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट बना हो ना, इसको बोलते हैं पोलेराइड या पोलेराइजर, पोलेराइड बोलते हैं या फिर पोलेराइजर बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना यार, ध्यान मत दे देना, सिंपल तो कहानी है पोलेराइजर, ठीक है। अब सुनना बेटा, ये पोलेराइजर है, इसमें बताओ लाइट इधर चल रही है, तो बेटा बताओ लाइट वेव, अभी समझाया लाइट अगर इधर चल रही है इसमें वाइब्रेशन क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव है लाइट वेव, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, बताया था ना अभी, लाइट वेव इज अ, अगर लाइट वेव इधर चल रही है इसका मतलब ऐसे अभी बताया था। अच्छा बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन क्या होता है, इक्वल टू सी बी, बताया अभी, बी बहुत छोटा होता है इसलिए ओनली वी कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कंसीडर द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा देखिए लाइट में इधर चल रहा है, इसके कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, क्योंकि देखो ना मेरा एक हाथ हट गया, होगा कि नहीं होगा, ये डायरेक्शन है, कभी ऐसे होगा फिर ऐसे ऐसे होगा ना यार। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे तोड़ देता हूं और एक कंपोनेंट ये तोड़ देता हूं, ध्यान दीजिएगा ये क्या किया मैंने भाई। देखो बेटा ये दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन एक्सिस, आराम से सुनना आपको सब समझ में आ जाएगा।
बस मेरे वर्डिंग्स पे गौर करो, सब क्लियर होता है। ट्रांसमिशन एक्सेस तो क्या होता बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बार बार ऐसे ऐसे रोटेट करता, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ये ना बताया, देखो मेरे हाथ ऐसे से घूम रहे कि घूम रहे हैं, अब एक हाथ हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो मैंने कहा बेटा एक कंपोनेंट तोड़ दिया, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे ऐसे, उसका एक कंपोनेंट ऐसे ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल, ये है ट्रांसमिशन एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, ये लाइन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, उसका एक कंपोनेंट वेक्टर का कंपोनेंट होता है ना, एक ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। ये देखो ये कंपोनेंट किधर बेटा, तो पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस, और ये डॉट का मतलब क्या बेटा, ये कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर टू द ट्रांसमिशन एक्सिस। देखिए इस तरह का ये वाइब्रेशन आएगा, ये लाइट वेव अगर गिर रही है तो ये, इसका मतलब क्या होगा जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस, पैरेलल टू द ट्रांसमिशन, जगह नहीं बचा दोस्तों, जगह नहीं बचा, ट्रांसमिशन एक्सिस, कंफ्यूज्ड, इसका मतलब ये है। और डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या बेटा, यहां लिखूं कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ट्रांसमिशन एक्सिस, एक मिनट कोई घबराएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं, इसका मतलब क्या बेटा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन एक्सिस, और डॉट का मतलब क्या बेटा, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द ट्रांसमिशन एक्सिस। बताओ जब लाइट वेव इससे पास करेगा कौन सा ट्रांसमिशन, कौन सा वाइब्रेशन मिलेगा बेटा, ये वाला या डॉट वाला, तभी समझा सर, ये वाला वाइब्रेशन तो पार कर जाएगा और ये वाला वाइब्रेशन क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, इधर कौन सा वाइब्रेशन लेके, अभी रस्सी पार हो रही थी, ऐसे वाला स्नैपशॉट पल्स पार हो जाएगा, ऐसे वाला पल्स पार नहीं होगा, तो जो वाइब्रेशन ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है वो तो पार हो जाएगा, और जो ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो पार नहीं। तो हम बोलेंगे सर ओनली ये वाला, देखो डॉट गायब हो गया, ओनली ये वाला वाइब्रेशन, ये वाला वाइब्रेशन मिल रहा है जो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। टूट पड़ो बच्चों, टूट पड़ो, टूट पड़ो इस पर, आज इस पर टूट पड़ना होगा। जल्दी एक दो एक मिनट और मैं आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके मिटाएं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।
डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना मना है, डरना मना है। चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। परेशान मत होना बच्चों, बहुत इजी है दोस्तों, तो बहुत इजी है। अब देखो देखो, देखो बेटा, ध्यान से देखो, तेरे नैना दगा बाज रे, यानी बेटा हम सब के नैना दगा बाज रे, यानी अगर लाइट वेव ऐसे करके पोलराइड से पास करेगी तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि लाइट पोलराइड हुई कि नहीं हुई। मेरे हाथ में पोलराइड है, लाइट पास हुई उधर आ गई, कैसे पता पड़ेगा कि उधर पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा इसके लिए मुंडी ऊपर करके हम लोग क्या करते हैं, देखो बेटा ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर है। ध्यान से देना, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, इसका ये ट्रांसमिशन एक्सिस है बेटा, और ये लाइट में वैसे आती है। क्या मैंने अब आपको सिखा दिया इस तरह का कंपोनेंट मिलता है बेटा, एक कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस के, ये वाला कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल, और ये कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर। इधर कौन सा वाइब्रेशन मिलेगा, ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाला वाइब्रेशन मिलेगा, ठीक है, ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाला वाइब्रेशन मिलेगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन होता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध कि नहीं भाई ओनली ये वाइब्रेशन मिलेगा, तो जब भी कभी रिस्ट्रिक्शन होगा उसको बोलते पोलराइजेशन, पोलराइज हो गया। अब ये तो पता चलेगा नहीं क्योंकि हमारे नैना दगाबाज है। तो हम लोग क्या करें बेटा, एक अनदर पोलराइड फिर से लगाएंगे, एक अनदर पोलराइड जिसे हम बोलते हैं एनालाइजर, अनदर पोलराइड है, इसका नाम दिया गया एनालाइजर। क्या नाम दिया गया, एनालाइजर। टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई। अब देखो एनालाइजर, देखो बेटा ध्यान से सुनना, फील करा आपको, ठीक है, ये पोलराइड है, लाइट ऐसे आई मतलब वाइब्रेशन ऐसे आया, ये वाला तो ब्लॉक हो गया, अब वाइब्रेशन केवल ये मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा पोलराइड है तो मुझे नहीं पता कि ये पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ, लाइट ऐसे आ रही है, पोलराइज लाइट ये वाली, इसको देख रहा हूं, ये पोलराइज लाइट ऐसे वाइब्रेशन और एनालाइजर ऐसे है, अभी ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है तो लाइट जाएगी, सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसका शैडो बनता है, क्या बनता है शैडो, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया पोलराइड एनालाइजर के पीछे एक ऑब्जेक्ट रख दो उसके बाद शैडो बनेगा, शैडो जहां बना तो बोलेगा अच्छा लाइट आ रही है। अब देखो ऐसे पोलराइज लाइट ऐसे आ रही है ना, एनालाइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस और एनालाइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस और वाइब्रेशन पैरेलल है, पोलराइज लाइट का वाइब्रेशन और एनालाइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल है तो पूरी पूरी जाएगी, पार हो जाएगी, शैडो बनेगा, ठीक है। अब मैं एनालाइजर को घुमाऊंगा, क्यों घुमाऊंगा, फील करो, इसलिए ताकि ब्लॉक हो सके। अब घुमाया घुमाया 90 डिग्री पे कर दिया, क्या कर दिया बेटा 90 डिग्री पे, ये धाड़ से ब्लॉक हुआ, जैसे ही ब्लॉक हुआ तो उधर शैडो आया, अंधेरा कुछ नहीं, तो बोले कि सर पता चल गया सर ये पोलराइज हो गई थी, कंप्लीट पोलराइजेशन हो गई सर। तो एनालाइजर की मदद से क्या पता करते बेटा कि लाइट पोलराइज हुई कि, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे बना दो, टेंशन नहीं लेने का, मेरे समय कर, इसको रोटेट करते बेटा है ना, इसको रोटेट करते हैं, ऑन रोटेटिंग द एनालाइजर, ऑन रोटेटिंग द एनालाइजर, ऑन रोटेटिंग द एनालाइजर, एनालाइजर वी कैन कंक्लूड दैट द लाइट इज पोलराइज और नॉट, और नॉट। आ रहा समझ में, कैसे कंक्लूड करते बेटा, घुमा दो, अगर घुमाने पर एक ऐसा एंगल मिले जहां पर कोई लाइट ना मिले, शैडो उधर बनेगी, तो समझ जाएंगे पोलराइज लाइट है। सोचो ना ऐसे आ रही है,
अब ऐसे घुमाओ, ऐसे 90 कर दो, ब्लॉक कोई लाइट। हम बोले अरे यार, अरे कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया था, पहले पोलराइजर से कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया था, इसलिए ये देखो पता कर लिया इससे। फिर घुमाऊंगा ऐसे, पैरल हो गया, पार हो जाएगा, फिर मिलने लगी, पूरा 360 डिग्री घुमाना, ऐसे ऐसे जा रहा, पार हो गया, ऐसे पार नहीं हुआ, फिर ऐसे पार हो जाएगा, फिर ऐसे पार नहीं होगा। आ रहा समझ में? पहुंचो पहुंचो, मिटा दूं? अच्छा, अब एक ज्ञान की बात करते हैं बेटा, जो सब लोग ज्ञान की बात करते हैं, घबराने का नहीं बच्चों। हाँ अब सुनो प्यारे बहनों, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ, ये एक पोलेरॉइड है, ये लाइट ऐसे आ रही है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, जो लाइट ट्रांसमिशन एक्सिस के, जो लाइट में जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होता है, वो पार करेगा, जो डॉट है यानी ट्रांसमिशन परपेंडिकुलर, वो पार नहीं करेगा, वो पार नहीं करेगा, नहीं करेगा बेटा। इधर कौन सा वाइब्रेशन देगा जल्दी बताओ? ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाला। तो जानते हो बच्चों, जिस प्लेन में ये वाइब्रेशन मिलता है, ऐसे प्लेन बना दिया ना, ऐसे प्लेन बनाया, ऐसे ऐसे डॉटेड है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। थोड़ा आराम से सुनना, घबराना मत, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और बेटा सुनना ध्यान से, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर प्लेन मान रहे हैं, इसको मैं रायता में लिखाऊंगा तो देखो रायता फैल जाएगा, ये देखो रायता फैल जाएगा, और एक प्लेन ऐसे मान रहे हैं, ये सामने से ऐसे है, फील करके दिखाओ, देखो ये है पोलराइडर, पोलराइड या पोलराइजर, लाइट ऐसे जा रही है, ये वाला कंपोनेंट पार होगा, तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट ऐसे पार होगा, तो जिस प्लेन में मिल रहा है, ये केवल ये वाला मिल रहा है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी ये वाला जो है रिस्ट्रिक्शन ही रहेगा, इधर कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, इस प्लेन में कोई वाइब्रेशन ऐसे करता हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे करता हुआ नहीं मिलेगा कोई, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। डरना नहीं, डरना नहीं, जैसे मैं कहूं ये चौक, ये चौक, ये चौक, ठीक है बेटा, ये वाइब्रेशन मिल रहा है, ये कौन से प्लेन में बेटा जल्दी बताओ? इस प्लेन में, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी इधर इस प्लेन में कोई वाइब्रेशन, ऐसे ऐसे कोई वाइब्रेशन थोड़ी ना मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है ना, ये मिल रहा है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। पहुंचो, टेंशन नहीं लेने का,
हाँ चलो बिठा दो बेटा। देखो बेटा यहां पर मेलस लॉ अब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। क्या पढ़ते जा रहे हैं बेटा? मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या है बेटा? मेलस लॉ क्या है बेटा? मेलस लॉ है, मेलस लॉ कहता है बेटा कि अगर व्हेन पोलराइज्ड लाइट, व्हेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट, देखो बेटा पोलराइज्ड लाइट है, ध्यान देना, पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट्स ऑन अ पोलराइड या एनालाइजर, पोलराइड When polarized light incident on a polaroid, जिसे हम क्या बोलेंगे? Called analyzer, है ना बेटा? इसे analyzer बोलते हैं बेटा। Analyzer, then the intensity of transmitted, यानी उधर जो analyzer से जो light उधर निकल के बाहर जाएगी इसे, उस वक्त then the intensity of transmitted light wave, then the intensity of transmitted ट्रांसमिटेड लाइट वेव विल बी, और ध्यान देना बेटा बिल्कुल ध्यान से, जैसे मैंने कहा ये पोलराइड है बेटा, और कौन सा पोलराइड? एनालाइजर, यानी एक पोलराइड के बाद दूसरा पोलराइड को क्या बोलते थे? एनालाइजर, यानी एक से पोलराइजेशन हो गया और दूसरे को क्यों लगाते थे? ताकि इसे पता कर सके कि लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई, इसको क्या बोलेंगे? एनालाइजर, यानी मैलस लॉ बेटा एनालाइजर पर जो लाइट वेव गिरी उसके लिए है, ध्यान देना। अब यहां पर बेटा ये एनालाइजर है, इसमें ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, ये 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 ट्रांसमिशन एक्सिस है बेटा। तो यहां पर अगर मान लो ये एनालाइजर है, मान लो जरूरी है कि बार बार पोलराइज लाइट इसके पैरेलल हो, जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, या 90 डिग्री पे हो जरूरी है क्या? किसी एंगल पर भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो गिर सकता है। तो मैंने माना कि ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ जो लाइट वेव आ रही है पोलराइज लाइट, देखो ध्यान देना, मैंने इसको भी क्या बोला? मेन पोलराइज लाइट, यानी पहले पोलराइड से तो ऑलरेडी पोलराइज हो चुका है, अब एनालाइजर पे गिरा, तो ये लाइट वेव ऐसे आ रही है, यानी पोलराइज लाइट में जो वाइब्रेशन है वो ऐसे है, ठीक है? तो ये देखो ऐसे है, मान लीजिए इसके साथ ठीक एंगल पर है, इसका एम्पलीट्यूड मैंने माना ए, कितना माना बेटा? ए, ए एम्पलीट्यूड की लाइट वेव आ रही है, पोलराइज लाइट का एम्पलीट्यूड कितना बेटा? ए, और ठीक एंगल पर है, तो बोलेंगे एक कंपोनेंट इधर तोड़ो, एक कंपोनेंट इधर तोड़ो, ये एंगल है तो ये कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, और ये कितना होगा? ए साइन थीटा, कौन सा वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाएगा? तो एक कॉस थीटा पार हो जाएगा, एक साइन थीटा ब्लॉक हो जाएगा। अब यहां पर बेटा कीप इन माइंड, जो आराम से सुनना, कीप इन माइंड, हम लोगों ने ये जानते बेटा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, बोलो क्लियर है, जानते हैं ना? चलो तो एक काम करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव पहले लिखते हैं, जो वेव गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, जो वेव गिर रहा है पोलराइड पर एनालाइजर पे उसको लिखते हैं बेटा, पहले उसको आई नॉट मान लेते हैं, प्रोपोर्शन का साइन आते हैं के लिखेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जो गिर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए, तो ए स्क्वायर, ठीक है? और अब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव लिखूंगा, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, जो वेव उधर पार हो जाए निकल के उधर गिरेगा एनालाइजर से पास होने के बाद उधर दूसरी तरफ, आई बराबर के, और कौन सा एम्पलीट्यूड उधर मिलेगा बेटा? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा ब्लॉक हो गया, गिर रहा है एम्पलीट्यूड ए, इंटेंसिटी होगी के स्क्वायर, उधर जो मिलेगा वो कौन सा एम्पलीट्यूड मिलेगा? ए कॉस थीटा, ये पार हो गया ब्लॉक हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और के स्क्वायर क्या बेटा? जो इंटेंसिटी गिर रही है, जो आके गिर रही हो कितना? आई नॉट,
तो यही होगा बेटा मेलस लॉ आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज मेलस लॉ, दिस इज मेलस लॉ। टेंशन नहीं लो, लिखो पहले, देखो जब जन्म देना, लिखो परेशान मत होना बेटा, बस जल्दी लिखो बेटा, सभी लोग, सभी लोग जल्दी लिखेंगे, सभी लोग जल्दी लिखेंगे। चलो मिटा दूं और सुनो बेटा, आराम से सुनो, बिना घबराहट के साथ सुनो, बिना घबराहट के साथ सुनो। तो यहां पर बेटा आई बराबर है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे बोले मैलस लॉ क्या है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को बोलते हैं मैलस लॉ, मैलस लॉ, दिस इज मैलस लॉ, है ना, मैलस लॉ, सिंपल है बेटा, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ थीटा क्या है बेटा, जल्दी बताओ थीटा क्या, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस एंड किसके बीच का एंगल है भाई, ट्रांसमिशन एक्सिस एंड बता बताइए, अगर वाइब्रेशन ऐसे आ रहा है पोलराइज्ड लाइट में, वाइब्रेशन ऐसा आ रहा है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, बोलते हैं ना बेटा, जिस प्लेन में वाइब्रेशन मिलता है उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यार अभी तो बताया था प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और ट्रांसमिशन ऑफ एक्सिस के बीच का एंगल, तो एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो सिंपल सी बात है, मैंने स्लो नीचे मिटा रहा हूं बेटा। अच्छा बेटा एक बात मुझे समझाओ, पढ़े लिखे मालूम पढ़ते हैं आप लोग, एक बात मुझे समझाओ, अगर मैंने बोला इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, व्हाट डज इट मीन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री का मतलब हुआ कि ये एनालाइजर है, एनालाइजर समझते हैं ना, सेकेंड पोलराइड ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है और पोलराइज लाइट में केवल वाइब्रेशन तो यही मिलेगा, देखिए ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये पोलराइज लाइट है ना बेटा, पोलराइज लाइट है, यही वाइब्रेशन मिलेगा। इसमें देखिए एनालाइजर के पैरेलल आ रहा है पैरेलल बेटा थीटा जीरो डिग्री, तो बोलेगा इंटेंसिटी आई नॉट है, व्हाट विल द इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी जो इधर ट्रांसमिट होगा कितना होगा, बोलेंगे सर वेरी इजी, आई बराबर होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री और कॉस जीरो डिग्री वन, यानी जो आई होगा ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, वो जितनी इंटेंसिटी गिरेगी उसके बराबर हो जाएगा,
आई बराबर आई नॉट, नहीं आया समझ में? मान लो बेटा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये एनालाइजर है लाइट वेव पोलराइज लाइट, इसमें मान लीजिए बेटा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पे वाइब्रेशन ये वाला मिलता और ट्रांसमिशन एक्सिस का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, ऐसे यानी कि 90 डिग्री पर है, अगर इंटेंसिटी आई है तो उधर कितना मिलेगा, आई नॉट है उधर कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर आई बराबर था आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, इंटेंसिटी जीरो, सिंपल। जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी लिखें, सिंपल सिंपल कहानी है, सिंपल सिंपल कहानी है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। लिख पड़े बेटा, 30 सेकेंड और रुकूंगा। थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, इससे क्या है मेरी सेहत बन जाएगी और मैं सिक्स एथलेटिक हो जाता है और वो उछल सकता है। बिठा दिया जाए, चलो अब ध्यान दो बेटा, मुंडी को ऊपर रखने का है भाई। अब यहां पर बेटा हम लोग ध्यान देंगे, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अनपोलराइज लाइट, ध्यान दीजिएगा अनपोलराइज लाइट, अगर बेटा अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन द पोलराइड, अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन द पोलराइड, इंसिडेंट ऑन द पोलराइड, ऑन पोलराइड, तो इंटेंसिटी पूछ लिया जाएगा। तो देखो बेटा इस सवाल का जवाब जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो आपको कहीं क्वेश्चन पूछेगा जवाब दे दो। मान लो बेटा ये पोलराइड है, मान लो बेटा ये पोलराइड है, आपकी बार एनालाइजर पे लाइट नहीं गिरा रहा है, सेकंड वाले ऊपर नहीं गिरा रहा है, अनपोलराइज लाइट गिरा रहा है। मान लीजिए ये है पोलराइड ट्रांसमिशन एक्सिस और ये वाइब्रेशन, तो इसमें दोनों मिलेंगे, दोनों कंपोनेंट मिलेंगे। ऐसे केस में बेटा अगर बोलेगा आई नॉट यहां पर आ रहा है तो बताओ जो लाइट वेव ट्रांसमिट होगी इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हम ये कहेंगे कि सर आई बराबर होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि मैंने आपको बताया अनपोलराइज्ड लाइट है, लाइट वेव है, ऐसे ऐसे होता है वाइब्रेशन, एक क्वार्टर तो मैग्नेटिक फील्ड क्वार्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे 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 होगा। अब ट्रांसमिशन एक्सिस की तरह ऐसे कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी 30, 60, 45, 90 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग बेटा थीटा की एवरेज वैल्यू लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू। पहले बेटा एक चीज यहां समझो, कॉस स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड 0, होता कि नहीं होता है, कॉस स्क्वायर है तो माइनस तो जाएगा नहीं, मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0। So, इसमें क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू देते हैं, एवरेज कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, 0 और 1 का बीच में 1/2 ही होगा। सो इंटेंसिटी यहां पर हो जाएगा बेटा आई बराबर कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2, तो आई नॉट बाई 2, यानी हमें ये आंसर लगाना है। देखिए बेटा मैंने आपको बताया क्वेश्चन आता है, आप बना सकते हैं अगर आपको ये याद रहे कि कभी बोले अनपोलराइज लाइट गिर रही है पोलराइड पर,
आई नॉट इंटेंसिटी की गिर रही है, बताओ आई कितना होगा उधर, तो बोलेगा आई नॉट बाई टू, हाफ होगा, बस सीधा सीधा हाफ होगा, बस इसे करना है। पहुंचो पहुंचो पहुंचो, मिटा दूं, चल आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके मिटाएं। अब बेटा लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर फिनिश। मैंने बोला था ना लास्ट टॉपिक है और चैप्टर फिनिश। एक एक दिन का है, बस एक दिन का। बोले ये